नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं हूं राजकुमार सोनी। आज हम अपनी टीम के साथ सिरसा लोकसभा के क्षेत्र कालावाड़ी मंडी में पहुंचे हुए हैं। हमारे दर्शकों का एक रोष था, एक शिकायत थी कि राजकुमार सोनी एक पक्ष की बात करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां हमारा कोई रिश्तेदार, कोई प्यारा, कोई यार दोस्त नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कालावाली में ये रोहतक बवासीर हॉस्पिटल है। यहाँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और अलग अलग स्टेटों से जो है लोग अपने मरीजों के साथ आए हुए हैं। आज आप बिल्कुल इत्मीनान से, हम किसी भी एक नेता का नाम नहीं लेंगे, तो जो रोष आपका था उसको हम आज ख़त्म करते हैं। ये गढ़ जो है इनेलो का रहा है, जेजेपी का रहा है, यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो आप हम विस्तार से जो है जानकारी लेंगे कौन कहाँ से है। हमें कोई जानता नहीं है, फिर भी हम लोकसभा चुनाव के ऊपर कुछ वर्जन लोगों के लेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें तो पूछ लेंगे। सर सत श्री अकाल जी, कितों आए तुझे? कालावाली के हो? तो आज जो है लोकसभा का जो इलेक्शन की जो है डंका बज चुका है, तारीखें तय हो चुकी हैं, तो आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं और किस को पसंद करते हैं? कोई चंगी नहीं है, सारियाँ ही ना गंद पा जाती जी। हाँ, किसी का कोई फायदा नहीं करते, इन्हें की फायदा करता। किसी भी सरकार से आपको किस प्रकार की शिकायत है? ना कोई शिकायत नहीं, सारियाँ एक जी। शिकायत भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है। तुम मैं देख के आ गए, फिर की फायदा, कुछ खट के देके जाऊंगा मैं। गलत गल है तो ना मेरी ना। तो नौजवान खड़े हैं, एक सर्वे चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, आप किस प्रकार जो है कैसी सरकार चाहते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं? हम बीजेपी पसंद करते हैं दोबारा। कोई विशेष बात बताओ बीजेपी के लिए? बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया काम किया, सारा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी सारी खत्म हुई। कहाँ से हैं आप? मैं हिसार से हूँ। हिसार से हूँ, हाँ जी। यहाँ कैसे? यहाँ मैं हॉस्पिटल में आ रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? हिसार से सर। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। क्या लग रहा है आने वाली सरकार के कौन सी बनाना चाह रहे हो आप? बीजेपी के जी, हाँ जी। आप किसको बना रहे हैं? टफ फाइट है जी, काफ़ी टफ फाइट है, तिकोना मुकाबला है। तिकोना मुकाबला है। वैसे पसंदीदा जो नेता है वो कौन है आपका? तीनों अच्छे एडिटर, ऐसी बात नहीं है, व्यवहारिक हैं, दुख तकलीफ में आते हैं लोगों के, ऐसी बात नहीं है। काम की बात करें तो काम नहीं हुआ कुछ भी। आप कालावाड़ी मंडी को देख लो सर, काफ़ी पुरानी मंडी है, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। आप कहाँ से? बजट भी है, मैं पनीवाड़ा मोटा नियर बाई गाँव से हूँ। ओके, तो विकास की बात करें तो कोई इतना है नहीं, बजट तो आता है लेकिन पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, समझ में नहीं आता आपके सामने। तो यहाँ एक दो लेडीज भी बैठी हैं, थोड़ा हम इनसे भी जानना चाहेंगे, देखते हैं ये भी कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बोलो, बताओ कोई बात नहीं, कहाँ से हैं? और पैदल दस घर। अरे आपका है ये, औरतों का है, कहाँ से आए हैं आप? असी बड्डे पर मैं तो जी, बड्डे पर मैं तो। अच्छा, आप? बठिंडे तो जी। आप जी? असी तख्त मालपुर। तो जो आने वाला जो चुनाव है, आप किसकी सरकार पसंद करते हैं? कोई जी किसे नहीं, कोई नहीं, हम वोट तो हम फिर भी डालेंगे ना। अब तो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार। आप? कांग्रेस। आप? कांग्रेस जी। एक दूसरे को देखा देखी कह रहे हैं? नहीं जी, नहीं जी। ओके, दोले हो यहाँ? हाँ जी। आप किसको पसंद करते हैं? कोई आ जाए जी, कुछ नहीं चलता, आपका मसला हल लगा के टप जाए। थोड़ा सा अंदर भी कुछ मरीजों के साथ आए हुए बैठे हुए हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? जी जींद से सर। हाँ जी, जींद से। यहाँ कैसे? यहाँ मैं इलाज के लिए आता हूँ। अच्छा, तो आने वाला जो इलेक्शन है लोकसभा का, आप कौन सी सरकार पसंद करते हैं? आने वाले इलेक्शन के लिए तो बीजेपी सरकार को, मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, एक नंबर के प्रधानमंत्री हैं, उससे छोड़कर हम कहीं भी जाना नहीं चाहेंगे। हर तरह का मामला सही है सरकार। आप किसको चाहते हैं? अच्छा, हो गया आपका, हो गया। आप? मोदी को सर। आप? बीजेपी। थोड़ा हम अंदर जाकर के देखते हैं, कुछ लोग बैठे हैं, आखिर उनकी अपनी अपनी क्या राय है, थोड़ा हम कहेंगे। आ जाओ। सारे भाइयों ने राम राम।
हम एक लोकसभा चुनाव को लेकर के एक सर्वे कर रहे हैं कि आज जो है देश के अंदर शिक्षा, पानी, बिजली सभी तरह की समस्याएं हैं। क्या कोई एक समस्या आप भी बता सकते हैं जो गंभीर हो देश के लिए? वैसे इस तरह नशा बहुत है, सारे पास नशे बहुत दौड़ लगी हुई है। जो अपना यूथ है ये नशे पर पड़ गया, कुछ स्टडी नहीं पढ़ाई नहीं बचती है। तो किस सरकार को पसंद करते हैं आप? जिनको विकास का काम करी उसको पसंद करते हैं। देखो सरकारें तो बनती आई हैं, किसने विकास किया है किसने नहीं किया है वो तो अगर हम बात विकास की करते हैं तो आप लोगों ने देखा भी है, ठीक है। यहाँ इनेलो की भी सरकार रही है, बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है। तो आप फिलहाल किस नेता को पसंद करते हैं? कांग्रेस को। आप सर? कांग्रेस से। आप भी कांग्रेस से? कहाँ से हैं आप लोग? तलवंडी साहब। यहाँ पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से। आप कहाँ से हैं? पंजाब से। तो कौन सी सरकार पसंद करते हैं? कांग्रेस। हाँ जी, बुजुर्ग हैं आप, काफ़ी समय आप लोगों ने काफ़ी इलेक्शन देखे हैं। तो इलेक्शनों में जैसे होता है कि हमारा एक शुरू दिन से ही एक पसंदीदा एक नेता होता है, उसके कार्यों से हम कभी खुश होते हैं कभी नाराज होते हैं। तो फिलहाल जो लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं और किस नेता को पसंद करते हैं? राहुल। हाँ जी, राहुल गांधी। राहुल गांधी ने। तो कहाँ से हैं आप? आप पंजाब में? पंजाब से हैं। तो पंजाब में ज़्यादातर कांग्रेस का ही साढ़े सारे सुनको होंगे जी। आप कहाँ से हैं? आप तो इतने ही एक ही जगह से हैं? नहीं, कालांवाली से। कालांवाली से हैं। तो आप किसको पसंद करते हैं? अभी तक किसी ने नहीं कर दी। नहीं, वोट तो फिर भी डालेंगे। वोट पा के करेंगे थे, बनते नहीं सारा कुछ भी। नहीं, वोट तो आप डालते ही आए हैं, वोट का तो ऐसा है ही नहीं। डालते भी नहीं। हाँ जी, ना डालते नहीं। सुनो, तो नोटा पे बटन दबाएंगे? जमा ही करेंगे। तो अच्छा अच्छा, तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा? ऐसे बंदे जिताले साढ़े कोई गली नहीं पक्की कराएगी किसी। वैसे जो आपके जो नाराजगी है किसी भी सरकार से, हम एक का नाम नहीं लेंगे, किस प्रकार की नाराजगी है? ताकि चलो आओ, थोड़ा सा अंदर बैठे हैं कुछ लोग, उनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ जी, एक लोकसभा का एक सर्वे कर रहे हैं हम। कहाँ से हैं आप? बाइया से। है जी, गांव बाइया से, इसी में कालांवाली में? नहीं जी, रानिया से। रानिया से हैं सर। लोकसभा का चुनाव अपना सर्वे कर रहे हैं। अच्छा। आप किस सरकार को पसंद करते हैं? बीजेपी को जी। जी, कोई देश की कोई विशेष समस्या पर फोकस डालेंगे? भाई किस प्रकार की समस्या ने देश को घेरा हुआ है? देश को पहले तो सभी ने घेरा हुआ था, हमारे को ना बिजली मिलती थी ना पानी मिलता था, अब सब कुछ है। और देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने जी। तो रानिया में तो इनेलो का भी तो दबदबा है? था, पर अब नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से अब नहीं है। तो जेजेपी का क्या रहेगा? जेजेपी का भी कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, तो क्या नाम आपका? जरूर था, राकेश कुमार है। देखिए, सभी लोग जो है आज टीवी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, अपने ही मोबाइल में पूरे देश विदेश की बातें देख लेते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। कहाँ से हैं? पंजाब से। अच्छा, हम जो है एक लोकसभा का सर्वे कर रहे हैं, तो आने वाली जो सरकार है आप किसको पसंद करते हैं? किसी को नहीं। कारण? कोई काम नहीं कर रहे, ना कांग्रेस ना बीजेपी, कोई भी नहीं कर। लेकिन वोट तो फिर भी कहीं कहीं डालोगे? नहीं, किसी को नहीं डालना। लेकिन वोट डालने के लिए तो प्रेरित करती है चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, फेस टू फेस जा करके। लेकिन इनसे आदमी कोई ठीक नहीं है। नहीं, फिर भी कोई तो चुनना ही पड़ेगा हमें। देखो, अच्छा आदमी हुआ चुनेंगे। अभी तक अच्छा है बुरा का पता नहीं लगे आपने? अभी तो कभी वोट डाले नहीं आपने? डाला है। तो किसका डालते आए? पहले जो आदमी अच्छा होता उसको डालते। डाला तो होगा ना? नहीं, अभी नहीं डाला। डरते हो क्या? नहीं, डरते नहीं। ठीक है। हाँ जी, किसको पसंद करते हैं आप? किसी को नहीं, सब जुबानबाजी करते हैं, सभी एक दूसरे का दोष लगाते हैं। तो YouTube पर तो देखते रहते हैं आप लोग? YouTube पर देखते हैं, मोदी कहता है वो माड़ा है, वो कहता है वो कांग्रेस, वो मोदी कह रही है। वो कहने की बात अलग है। हमारी पसंद क्या है? हम बेरोजगार हैं, हम पबजी खेल रहे हैं। हमारी पसंद क्या है? कोई नहीं है। यहाँ बुजुर्ग महिलाएं हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानना चाहेंगे। माता जी नमस्कार, कहाँ से माता जी? टोहाना से। टोहाना से, यहाँ कैसे? यहाँ बाबा सिर का ऑपरेशन कराया, दिखाने आया है। तो आने वाला जो लोकसभा का जो चुनाव है उस पर सर्वे कर रहे हैं, आप कौन से नेता को पसंद करते हैं? भाजपा। आप किसको करते हैं? बोलने में ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है, हाँ जी हो गया है, हाथ ना जोड़ो जी, हाथ ना जोड़ो।
बुजुर्गों ऐसा ना करो। हाँ जी, किसको पसंद करते हैं आप? बीजेपी। आप किसको पसंद करते हैं? बीजेपी। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। राजस्थान से हैं। तो यहाँ? यहाँ तो हॉस्पिटल में आए भाई। तो आप किसको पसंद करते हैं? बीजेपी को जी। बीजेपी। तो ऐसे ऐसे कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, थोड़ा हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि भी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ जी, नमस्कार जी, कहाँ से हैं आप लोग? हम तो गंगानगर से हैं जी। गंगानगर से। आप कहाँ से? गंगानगर। राजस्थान से। हाँ जी। हाँ, तो लोकसभा का एक सर्वे कर रहे हैं हम। लोकसभा में जो है आने वाली जो सरकार है जी, वो किसकी सरकार होनी चाहिए, किस सरकार को पसंद करते हैं? पसंद किसको करना चाहते हैं? हम तो सरकार तो मोदी को पसंद करेंगे। हाँ जी, मोदी को पसंद करें। कोई देश की कोई बड़ी समस्या या मोदी ने कोई अच्छा विकास कार्य किया? थोड़ा सा विकास कार्य तो ठीक ही हुए हैं, जैसे भ्रष्टाचार ऑनलाइन हो, सब कुछ हो गया, तो भ्रष्टाचार तो कम हुआ है, कुछ कम हुआ है, कुछ कम हुआ है, कुछ तो कम हुआ, कुछ तो मीडिया वाले भी बता रहे हैं भाई कम हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए तो उतना नहीं हो पाया। नहीं, बात बताने की अलग होती है, खुद हमारा जो दिमाग है वो क्या कहता है? कैसे मतलब? हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसमें हमारा दिमाग क्या कहता है? हमारा दिमाग तो यही कह रहा है कुछ कम हुआ है, कुछ कम हुआ है, बहुत कम। वैसे चल रहा है, सब कुछ ही चल रहा है, ये नहीं है अभी बिल्कुल ख़त्म हो गया, और टाइम तो लगता है सुधारने को। एक आगे आने वाले सरकारों की क्या उम्मीद है? उम्मीदें क्या हैं? उम्मीद तो किसानों के लिए कुछ करे तो है ना। आप किसानों के लिए अभी कुछ नहीं हुआ। किसको पसंद करते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को जी। कोई विशेष किए हुए कामों में पाँच सालों में कुछ आपको याद हो, कुछ पता हो उसके बारे में? विकास तो बहुत हुआ है, रोडों का भी हुआ है, किसानों के लिए नहीं हुआ, बाकी देश के लिए भी हुआ है, देश के लिए ज़्यादा हुआ है, किसानों के लिए। तो आप किसको पसंद करते हैं सरकारों? मोदी को। मोदी को। कोई विशेष बात? कहाँ से हैं आप? नौहर तहसील। नौहर से। राजस्थान। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, बाबू की हाल है जी? ठीक जी। आप कितने आए तुझे? अच्छा, राजस्थान नगर तुम? राजस्थान। हाँ जी, राजस्थान। हाँ, तो हम एक लोकसभा का सर्वे कर रहे हैं। हाँ जी। तो इस सर्वे हम जानना चाहते हैं कि आप किस सरकार को पसंद करते हैं? हम मोदी सरकार को जी, बीजेपी। लेकिन लोगों की जो है आवाज़ें आ रही हैं कि मोदी ने तो एक जुमलेबाजी की है, वादे किए तो पूरे नहीं। राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, देश की एकता के लिए बहुत कुछ किया है मोदी ने। कैसे पढ़े हैं भाई? कहाँ से हैं? गंगानगर। आप आने वाली सरकार में किसको योगदान कर रहे हैं? कांग्रेस, बीजेपी नू कदे नहीं, मोदी नू कदे नहीं, झूठ नू कदे नहीं जिताउणा। एक नंबर दा झूठा बंदा, झूठ नू कदे नहीं जिताउणा। यूथ नू मैं कहूँगा कांग्रेस नू जिता दो, चोर नू ना जितायो। सिद्धा कहना चीज़ कट्टे होना सुनायो जरूर। तो झूठ कौन नहीं बोलता? झूठ सर, एक मिनट मेरी गल सुनो, झूठ मैं बोलता पर यह बंदा इन्ने गड़स ना झूठ बोलता है, झूठ बोल के निकल भी जाता। मैं चलिया ये कह के भी जाता शरेआम, लोग ये अंत भगत विश्वास भी कर रहे हैं भी हाँ यार मोदी झूठ बोल गया, पता सारे झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान से जो 300 बंदे मार के आए थे ना सर, उन्होंने नप्पण को जगह नहीं मिली, असी फोन करके पूछा से वो कहते सानू दसो कबर कितने बनाइए, कितने फोन किया? पाकिस्तान से जी एयर स्ट्राइक की थी ना, 300 बंदे मारे थे। आपने फोन कहाँ किया? वो मतलब असं साढ़े इतने यार बेली जे रेंदे आ, उन्होंने पूछा से वो कहते कहें हाँ असं कहें भी वो कैनेडा रहा मुंडा, वो पाकिस्तान मुंडा रहा, कहें असं घर जा फोन करके पूछा से भी 300 बंदे मरे है, सानू जगह नहीं लभी भी असं नपीए कितने कबर नहीं मिली। तो मैं कहना मोदी जी ने भी माड़ी सलाह दे दो, उन्होंने भी कितने नपने। तो आप कौन सी सरकार को पसंद करते हैं? बीजेपी। बीजेपी को। अब ये आपके पड़ोसी में जो कह रहे थे, इनकी कुछ शिकायत थी? मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं तो कहाँ से आप? सूरतगढ़, गंगानगर। सूरतगढ़? सूरतगढ़ से। गुजरात से? सूरतगढ़, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यही नज़दीकी है। तो ये था हमारा एक लोकसभा शीर्षक का एक छोटा सा सर्वे। यहाँ हमारे सब अनजान थे, कोई अपना नहीं था। आज हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आज जो कमेंट में आपने लिखना है, बहुत सोच समझ के लिखना है कि हम यहाँ जो सर्वे कर रहे हैं, हमारा यहाँ सर्वे करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि यहाँ हमारा कोई जान पहचान का नहीं होता था। मीडिया पे अक्सर एक इल्ज़ाम लगाते थे कि आप वहीं जाते हैं जहाँ आपके जान पहचान के हैं। मैं भी कालावाली में आज खुशी विशेष कार्य से मले आया हुआ था, तो मैंने ध्यान किया कि यहाँ जगह मले चारों तरफ से लोग आए हैं, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से। तो ये था हमारा कालावाली का एक छोटा सा सर्वे। तो मैं हूँ राजकुमार सोनी और आप देख रहे हैं संचार क्रांति।